हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पार्चुरेशन की प्रोसेस को समझेंगे। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन रिफर्स टू द विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। दैट रिजल्ट्स इन डिलीवरी और एक्सपल्शन ऑफ फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल। मतलब पार्चुरेशन एक प्रोसेस है जो कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस से शुरू होती है और फाइनली ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये फीटस की डिलीवरी या एक्सपल्शन करवाते हैं बर्थ कैनाल से। बर्थ कैनाल सर्विक्स की कैनाल मतलब सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना को कलेक्टिवली कहा जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अब ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या है समझते हैं। दो शब्द हैं, न्यूरो और एंडोक्राइन। ये नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है और एंडोक्राइन से भी। इसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसे न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा जाता है। इसकी प्रोसेस समझने के बाद ये टर्म और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले मैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ड्रॉ कर रहा हूं। ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये यूट्रस है और ये फीटस है। यहीं पर हम प्लेसेंटा बना रहे हैं और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड जो फीटस को अटैच्ड है। ये है अमनियोटिक मेम्ब्रेन और ये अमनियोटिक फ्लूइड। इस पार्चुरेशन की प्रोसेस की शुरुआत होती है उन सिग्नल से जो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा इनिशिएट करते हैं। तो हम यहां पर मैकेनिज्म लिख रहे हैं। पार्चुरेशन का स्टेप वन, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा गिव सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन।
और इन पार्चुरेशन के सिग्नल से माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। इन माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस का जो इनिशिएशन हो रहा है, इसी को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से मेटरनल पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी। देखें जरा इस बात को समझें, क्या कैसे रेगुलेट करेगा। यहां से एक तो फुली डेवलप प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस, ये दोनों ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को स्टिमुलेट करेंगे माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवा के, जिसकी वजह से पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन बनता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट करेगा। ऑक्सीटोसिन कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जिससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज और ज्यादा स्टिमुलेट होगा, विच फर्दर स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लगातार बढ़ते जाएंगे, इनके बढ़ने से और ज्यादा स्टिमुलेशन होगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का, जिससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और जिससे और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। इसको हम एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक कह सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेप में स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज मेकिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मोर स्ट्रॉन्गर। फाइनली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि बच्चे की बर्थ हो जाएगी। इसी को पार्चुरिशन कहा जाता है। पर पार्चुरेशन का ये एंड नहीं है। जब फीटस बाहर आ जाएगा,
तो उसके बाद डिलीवरी ऑफ आफ्टर बर्थ्स होंगी, मतलब फीटस के बाद जिन चीजों की डिलीवरी होती है उन्हें आफ्टर बर्थ्स कहा जाता है, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा होगा। इनके डिलीवरी के बाद ही पार्चुरेशन कंप्लीट माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।